शुक्रिया दोस्त, ये कहकर धरती से करीब 4.25 लाख किलोमीटर दूर अपना लैंडर आज दोपहर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया। धरती से लेकर अब तक विक्रम लैंडर भी प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ जुड़ा था, लेकिन इसरो ने आज दोपहर ट्वीट कर विक्रम लैंडर के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने की खबर दी। इस ट्वीट के बाद से ही भारतीयों में खुशी की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर बधाई और शुभकामनाएं देने का सिलसिला शुरू हो गया। कल शाम 4 बजे लैंडर चांद की सतह के और करीब कक्षा में आएगा और स्पीड धीमी की जाएगी। अब भारतीयों को 23 अगस्त की शाम का इंतजार है, जब हमारी चांद को छूने की तमन्ना पूरी होगी। हम ना से ही हमारा यान चंदा मामा से बातें कर रहा होगा, वहां से वो हमें संदेशा भेजेगा। इसरो ने एक तस्वीर शेयर करते हुए कोडवर्ड में एक मैसेज भी शेयर किया है। जी हाँ, इसरो ने कहा अब चांद के आसपास भारत के अपने 3। जी हाँ, इसरो ने कहा अब चांद के आसपास भारत के अपने 3 सैटेलाइट हैं। ये कौन से सैटेलाइट हैं? आइए जानते हैं। चंद्रयान 1 साल 2008 में लॉन्च हुआ था और 1 साल तक काम किया। चंद्रयान 2 साल 2019 में गया, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई, लेकिन उसका ऑर्बिटर अब भी काम कर रहा है। वो चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है और करीब 7 साल तक भारत को सूचनाएं भेजता रहेगा। चंद्रयान 3 में भी उसी ऑर्बिटर से काम किया जा रहा है। इस तरह से देखिए तो इसरो का इशारा ये है कि ऑर्बिटर, लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल इस समय चांद की कक्षा में है। जिस समय विक्रम लैंडर आज अलग हुआ, वो 153 × 163 किलोमीटर की कक्षा में था। ये चांद के सबसे नजदीक और सबसे ज्यादा दूरी होती है। इसरो ने पहले ही बताया था कि प्रोपल्शन मॉड्यूल में भी एक वैज्ञानिक उपकरण है, जिसे लैंडर मॉड्यूल के अलग होने के बाद संचालित किया जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल ने लैंडर को चांद की 100 किलोमीटर की ध्रुवीय कक्षा तक ले जाकर छोड़ा है। सोशल मीडिया पर लोग इसरो को बधाई दे रहे हैं। लोग चंद्रयान 3 हैशटैग को शुभकामनाएं देने लगे हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को लॉन्च होने के बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। इसके बाद 6, 9 और 14 अगस्त को चंद्रमा की अगली कक्षाओं में प्रवेश किया। धीरे धीरे करीब पहुंचता गया। जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ता गया, इसरो ने चंद्रयान 3 की कक्षा को घटाने और उसे चंद्रमा के ध्रुवीय बिंदुओं पर तैनात करने की प्रक्रियाओं को अंजाम दिया। अब अंतरिक्ष यान के 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज नेशन।